अगर जो सेंटर सानू प्रेशराइज करना चाहती है कदम सानू कहती है भी ये पराली तो प्रदूषण होता एक करोड़ जुर्माना ला देंगे कदम कहते थोड़ा थोड़ा असं समान रोक देंगे कभी थोड़ा असं थोड़े बकाया नहीं देवे कदे ये भी थोड़ू असं गुमराह कर रहे लोगों को क्यों ही अजे बाहर आ रहे लोग तो लगता ठीक है कुछ लोग हो सकते हैं वाढ़ी लिए जुटे हुए होण जां कणक की बिजाई भी है पर जिवें तुसीं कहा कि अज दा चार घंटे भी काल सी कि समा कढ़ना चाहिए हरे की लगता लोगों जिहड़े घर बैठे किसान का की है किसान 8-10 लाख के ट्रैक्टर तो 1.5 लाख के 2 लाख के ट्रैक्टर से आजगा वो जे 4 कमरे पाँगा 2 कमरे पाँव लग जूगा पर मजदूर छोटा दुकानदार तो बिल्कुल ही खत्म हो जूगा जो अडानी अंबानी आपके स्टोर बनाएंगे उन्होंने कहा जी तुम्हें 10% डिस्काउंट है इतों साड़ी चीज़ खरीदो पर परमानेंट नहीं उही हाल अगर 10-10 साल बाद इतने होगा तो फिर ये दुकानदार ये व्यापारी ये मजदूर फिर पछताएंगे कि असं उस दिन इन्हों क्यों नहीं खड़े क्योंकि जिमीदार तो देख लेंगे कि अज यार ठीक है इन्होंने पहला ज़्यादा से थोड़ा कई बार यह होंगे कि घर बैठिया माता मां कह दें पुत तुम ना जाओ दिल्ली उन्होंने की कहना चाहते हो कि यह लड़ाई जी सब की सांझी लड़ाई है हुण उठना पैना सत श्री अकाल जी मैं हाँ रणबीर सिंह राणा खेती अंदोलन के हिस्सा बन रहे हैं कलाकार तो इस वेले साडे नाल गालिब बड़ैच ने जिहड़े लगातार किसानी संघर्ष के शामिल हो रहे हैं गालिब जिस ढंग दे नाल मैं तुहाडी स्पीच भी सुनी तुसीं कहा कि हाले भी बहुत लोग घर दे विच ने उन्हां नूं लगदा कि दूजियां दी लड़ाई है जो कुछ दूजियां नूं मिलेगा सानूं भी मिल जूगा ये किस तक सही है तुहाडी गल देखो 2.75 करोड़ आबादी है पंजाब की जो आप धरने देखते हैं भी ठीक है आप कितने तक यह भी समझते हैं कि बिजाई और कटाई च बिजी है पंजाब का यूथ पर जिमें अज कॉल से अच्छा चक्का जाम की बंद ही कॉल से अज मैं ऐ लगता कि तुम इन्नी लड़ाई लंबी अज एक पंप करने की जरूरत सी दोबारा ठीक है धरने के बेशक थोड़ी थोड़ी गिनती ही रवे वंड के आने जिमें पहले 4 बंदे कट्ठे जाते हूँ 2-2 जान लगे और 2 एक दिन क्योंकि उधरों अपना झोना भी सामना है उधरों आप अपना बिजाई भी करनी है क्योंकि रौनी भी ना खराब हो सारा कुछ देखना पैंता पर अज तो चक्का जाम से अब आप 4 घंटे लिए यार अच्छा जिमें एक तो निकलना चाहिए निकलना चाहिए सी बहुत वीडी निकले आ जे अज इतने 2500-3000 बंदा तो इतने मैनू लगता इतने 10000 बंदा घट्टो घट्ट होना चाहिए सी इफेक्ट तो होगा जो लोग एकजुटता दिखाएंगे जिन्ना वध घट होगा उन्ना अगर जो सेंटर सानू प्रेशराइज करना चाहती है कदम सानू कहती है भी ये पराली तो प्रदूषण होता 1 करोड़ जुर्माना ला देंगे कदम कहते थोड़ा थोड़ा असं समान रोक देंगे कभी थोड़ा असं थोड़े बकाया नहीं देवे कदे ये भी थोड़ू असं गुमराह कर रहे लोगों को अगर इन्ह किसानों प्रेशराइज करते हैं तो असी तो अपना कट्ठ एकजुटता विखा के प्रेशराइज कर सकते हैं ना हाले भी केंद्र को लगता कि पूरा पंजाब एकजुट नहीं है कि 200-2000 बंदे का कट्ठ है कि 3000 का कि 500 का असी वंडे हुए हाले भी वंडे हुए हैं उस तरीके वंडे हुए हैं पोलीटिकल भी वंडे हुए हैं सानू एजेंसियां भी वंडन की जितों तक कोशिश कर दियाँ और इतने भी हुण अगर CID की रिपोर्ट है फर्ज करो इस धरने के CID आई हुई तो रिपोर्ट दूगी कितने उन्हें देना सी इतने उन्हें दसें भी इन्नी गिनती है कितने असं देखते हैं कि यार नहीं इन आखिर वो तो कैलकुलेशन आपकी करते हैं ना ताई तो फिर वो आपदे आपू कदे कहें जी BJP दे हमला हो गया कदे कहें जी वो काफिला रोक लिया तो इदा दिया नैगटिविटी भी आपकी पापुलैरिटी नैगटिविटी नैगटिव पापुलैरिटी क्यों ही अजे बाहर आ रहे लोग तो लगता ठीक है कुछ लोग हो सकते हैं वाढ़ी लिए जुटे हुए होण जां कणक की बिजाई भी है पर जिवें तुसीं कहा कि अज दा 4 घंटे की काल से कि समा कढ़ना चाहिए हाले की लगता लोगों जिहड़े घर बैठे ने देखो जिहड़ा तां किसान हैगा वो तो काफ़ी हद तक उन्होंने लोग अवेयर आ पर 2.75 करोड़ चो जी गिनती हैगी है छोटा दुकानदार है जां व्यापारी वर्ग है जां जिहड़े मजदूर वर्ग आ उन्होंने हाले भी असी जो मैं असी हुण अपनी एक मुहिम होर चोड़ रहे हैं कि असी पिंड पिंड जाके मार्केट च भी समझा रहे हैं उन्होंने सच्ची हुण भी लगता कि असी इफेक्ट नहीं होना ये उन्होंने ऐ लगता साडा नहीं सिर्फ किसानों का मसला है मतलब कि बाले भाईचारे तो यह लगता है सिक्खी का मसला सिक्खी या किसानी मसला लगता उन्होंने नहीं हाले भी लग रहा है कि नहीं यार ये किसानों का रौला है यदा 1-2 सोध सूद हो जानी MSP मिल जानी है नहीं है इकला किसानों का रौला नहीं है 100% अजिहा नहीं है किसान ने तो 4th नंबर पर इफेक्ट होना है सब तो पहला तो मजदूर इफेक्ट होगा मजदूर तो बाद छोटा दुकानदार इफेक्ट होगा उस तो बाद व्यापारी इफेक्ट होगा फिर किसान की बारी आऊगी किसान का की है किसान 8-10 लाख के ट्रैक्टर तो 1.5 लाख के 2 लाख के ट्रैक्टर से आजगा वो जे 4 कमरे पाँगा 2 कमरे पाँव लग जूगा पर मजदूर छोटा दुकानदार तो बिल्कुल ही खत्म हो जूगा जो अडानी अंबानी आपके स्टोर बनाएंगे उन्होंने कहा जी तुम्हें 10% डिस्काउंट है इतों साड़ी चीज़ खरीदो
पहली गल तो जो दाल सब्जी चौल कणक जो भी अपनी फसल रिलेटड चीज़ा ने जो खरीद बीजन तो खरीदन आप लगे तो वो छोटे दुकानदार तक तो विकन ही नहीं जाऊगी फिर तो शीशिया पिया रहेंगे आप देखा करेंगे टैग लगे हुए डब्बे हाँ डब्बे टैग लगे क्योंकि जाएंगे लोग स्टोर च और उन्होंने भी एक दिन उल्ली और कीड़ा लग जाना मुड़ के उत्थे किन्ने जाना तो परचेजिंग पावर भी घट परचेजिंग पावर ओबियसली जो उन्होंने जिन्होंने खरीदनी है उन्होंने अगर साढ़े तो 2 रुपए की छली लैके 80 रुपए की बेच रहा अज और जो सारा सिस्टम ही वो कैप्चर कर लेंगे तो फिर तो 100% ही साढ़े को विकन ही नहीं आनी हूँ तो कदम कद रेहड़ी वाली आप लै भी लेंगे है ना वो फिर तो स्टोर से रह गई मतलब जेडे हम आप रेहड़िया के जमा फ्रूट खरीद लें कोई सब्जी खरीद लें फिर तो वह भी नहीं रहना सब कुछ स्टोर से यह अपन जो असं बाहर जाने असं देखते हैं सानू कभी उतो रेहड़ी रूड़ी तो दिखती नहीं कित मेला मूला जो लगता कोई पंजाबियों का फिर तो कोई माड़ा मोटा कोई स्टॉल दिखता है परमानेंट नहीं उही हाल अगर 10 साल बाद इतने होगा तो फिर ये दुकानदार ये व्यापारी ये मजदूर फिर पछताएंगे कि असी उस दिन इन्हों क्यों नहीं खड़े क्योंकि जिमीदार तो देख लेंगे कि अज यार ठीक है इन्होंने पहले ज्यादा से अच्छ थोड़ा अच्छा जो कोई मॉल खुलती है तो भी 50 दुकाना का समान एक जगह ले लेंगे लोग भी उत्थे जाने लग जाते हैं थोड़ा बहुत वो परसेंटेज घटा देंगे रेट की तुम ये देखो ये तो बहुत बड़ियां गल्लां आपां कर रहे हैं कि एवें होगा 100% होगा जे बिल नहीं वापस होए ईजी डे खुले छोटे छोटे आपां टाउन ते वेखदे आं साडे मेरी पातड़ा मंडी है मेरा होम टाउन उत्थे ईजी डे खुले वह ईजी डे खुलन नाल घट्टो घट 10 करियाना स्टोर अफेक्ट होए आ क्योंकि वह कार्ड बना देंदे आ वो कार्ड बेशक महंगा लाना देखो जी थोड़ा अगली बार तुम परचेज डिस्काउंट डिस्काउंट देता हूँ बंदा ही नहीं पता लगता कि उधरों बेशक 500 का नुकसान होता है पर मैं आ देखो जी 300 का फायदा हो गया 3000 का बिल बनया तो 2700 देना पड़ेगा तो उवें आने वाले स्टोर देखो भी किस हद तक लुट होगी कसुट होगी और छोटा जे आम दुकाना बैठे तो खत्म ने दूर दृष्टि ने सोचना पैना सोचना पैना लोगों को खड़ना पैना लोगों को अवेयर करना पैना सानू अपनी यूथ दी जे अवेयर टीम बना के मार्केट उन्होंने समझा पैना और असं कर रहे हैं जी हूँ दिल्ली जाने की गल आ हाले भी जे क्योंकि दिल्ली जाने के लिए बड़ा शक्ति चाहिए है स्ट्रेंथ चाहिए है जमीनी पद्धर से लोग नाल चाहिए ने ता जे लखा का कट होगा तो कोई इफेक्ट जरा दिल्ली जाके भी पैना है जे एवं 500 बंदा 1000 बंदा 10000 बंदा उन्हें को बहुत पावर है बिल्कुल घट्टो घट अगर तुम दिल्ली जाना तो इतों पंजाब तो घट्टो घट 10 लाख बंदा चाहिए 10 लाख बंदा वैसे कुछ नहीं है अगर 10 लाख पंजाब तो जाता 10 लाख हरियाणा तो जाता है राजस्थान तो 10 लाख यूपी तो अगर घट्टो घट 50-60 लाख बंदा दिल्ली जंतर मंत्र या रामलीला मैदान कट्टा होंगे तो एक प्रैशर बिल्ड होंगे अदरवाइज नहीं क्योंकि थोड़े लोगों को रोकने की भी कोशिश होनी है ना बख-बख बॉर्डर से उन्होंने सिक्योरिटी लगनी है बहुत कुछ होना बिल्कुल बहुत उन्होंने सिक्योरिटी होनी है CID और उतों तक पहुँचने लिए भी बहुत तरीके देखो हम कल परसों अपने पंजाब के MLA रोके रोक लिया अगर उन्होंने को पावर है उन्होंने को सिक्योरिटी है आम लोगों को कि करे आम लोगों का की हाल कर जेल भर देंगे वो तो थोड़ू नज़रबंद कर देंगे थोड़ा ग्राउंडा के डक देने कि करे अपना कई बार यही होंगे कि घर बैठिया माता मां कह दें पुत तो तुम ना जायो दिल्ली उन्होंने की कहना चाहते हो कि यह लड़ाई जी सब की सांझी लड़ाई है हूँ उठना पैना अपन नहीं उठना पैना देखो जे आप कल कल तुरंगे तो अपन ढाल लेंगे जे असी कट्ठे होकर चलेंगे तो 100% आप जित जाएंगे और ये वो लड़ाई है जे ये हार गए फिर असी गए फिर साडे पल्ले कुछ नहीं है लहर बार बार नहीं उठती मैं कह जी लहर तो 100% ही नहीं वार बार उठद होंद ही खत्म हो गई सू सू आर्थिक तौर पर जो मारता तो होर तो असं लड़ाई लड़ ही नहीं ना सकते फिर तो अगर असी बाकी स्टेटा वो हूँ मैं ना कि लेना जे बहरों इतने पंजाब आते आपकी होंद न छड़ के सिर्फ आपके आधा ढिड भरने इतने आते हैं साडे लोग तो सिर्फ अपने ढिड तक सोचणगे ना फिर एक पंजाब ही है जो हमेशा ही जबर जुल्म खिलाफ खड़ता है पंजाबी सिखिज़म खड़ते हैं तो जे हुण वो भी उस लैवल से दबा ले गए फिर मुकाबला कौन करूगा बिल्कुल तो ही है ना कि तुसी बॉर्डर से देख लो पंजाबी कुर्बानियां पंजाबी अगर जे जिदन देश का ढिड भरना सी ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब नूं तो लोड़ नहीं सी ग्रीन रेवोल्यूशन की पंजाब तो ऑलरेडी खा रहा सी वधिया पंजाब का ईवन के कणक की जगह से मक्की खाता सी बाजरा खाता हुण भी पंजाब का लाइफ स्टाइल है जिहड़ा उड़ीसा बिहार यूपी राजस्थान होर जिन्नियां स्टेटा तो आप है इत्थे चंगा रहन सहन है लोगों का जे रोजी रोटी खोली मैं लगता फिर उस तरह का लाइफ स्टाइल नहीं रह सकता 100% है ना तुसी अगर तुसी तुहाडी जिहड़ी आर्थिकता ही खोली आर्थिकता करके एक मिलवरत अगर तुसी घरों चंगे हो ताई किसी की भी मदद करोगे धरने च आ रहे हो तेल पवा के गड्डी दे विच जे कुछ कोल हैगा ताही आओगे आ रहे हो बिल्कुल ताही आ रहे हैं अगर तुहाडे पल्ली कुछ ना छड्डे फिर जाओगे कित्थे इसलिए ये लड़ाई लड़नी और ये सोच के कि यार मेरा मेरे नाल की है जो जो इन्हां नाल होगा मेरे नाल हो जूगा
ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ, ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਾਲਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਲਿਬ ਹੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਂਦ ਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ।